उसमें में लगा कि ट्रेन में बहुत ज्यादा थरथराहट होने लगी और एकाएक लगा जैसे भूकंप नहीं आ जाता है उस तरह से, और पूरा एकदम पैक हो गया, पूरा सीट वेट जितना था वो सब टूट के नीचे आ गया और बंद हो गया, पूरा ट्रेन तिरछा हो गई। हम पूरे परिवार और मेरी सास बाहर से मतलब लोगों के चिल्लाने की बजाओ बजाओ की आवाज़ सुनाई दी, तो फिर लोग थोड़ा से बाहर निकल के आएंगे, लेकिन बाहर निकल सकते थे, कटीली तार लगी हुई थी और अंधेरा इतना था कि लोग निकल नहीं पा रहे थे। फिर आस पड़ोस के जो गांव के लोग थे वो लोग टॉर्च लेकर के आए, फिर जैसे तैसे लोग पहुँचे तो फिर तो वहाँ पर तो सिर्फ तीन चार बोगी दिख रही थी, दो बोगी तो पूर्णतया वो हो गई थी, ऐसी बोगियों से आवाज़ आ रही थी, तो उसका शीशा तोड़ के हम लोगों ने लोगों को निकाला, लेकिन S1 और S2 बोगी तो पूर्णतया वो तो जैसे लगता है कि बम ब्लास्ट हुआ था वैसा हुआ था। यानी कानपुर से यानी 60 किलोमीटर दूरी में ये घटना घट गई कि जैसे रेल पलटी मार गई, आगे का इंजन हो या कुछ भी हो वो पलटी मार दी, पांच डब्बा के बाद हम लोग बचे हैं, क्योंकि एक डब्बा ने क्रॉश हो गया था वहाँ पे, तो ये पांच डब्बा रुक गया था, रोकने के बाद जैसे हम लोग जैसे वहाँ से उतर गए, बस वहाँ के बाद कैसे हुआ नहीं हुआ ये नहीं बता सकते सर हम। इस तरह की घटना ना हो, रेलवे प्रशासन भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से रेल मंत्री जी से निहोरा आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, सुरक्षा और सुरक्षा के मामले में कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना हुई और इतने लोगों को मौत हो गया। अभी एग्जैक्ट संख्या निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ जितनी भी डेड बॉडीज निकाली जा रही थी वो तत्काल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजी जा रही थी। अभी जैसे सुबह हुआ है अभी हम लोग भी संख्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एग्जैक्ट क्या हुआ है, लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे अगर आप कैमरामैन को बोलेंगे, ये जो S3 बोगी है और उसके जो नीचे S2 बोगी दबी हुई है, इसमें चार डेड बॉडीज तो साफ दिखाई दे रहे हैं, और हम लोग कल रात से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बोगी है वो हट जाए। इस बोगी को हट जाने के बाद अब कितनी डेड बॉडीज अंदर मिलेंगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन किसी के भी जिंदा होने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य हो गई है। रात में हम लोगों ने कम से कम 5 बॉडीज निकाली है और बहुत ज्यादा वो म्यूटिलेटेड हो गई थी, किसी का धड़ गायब था और इस तरह की चीजें काफी हमें देखने को यहाँ पर मिली। रात भर ऑपरेशन हमारा चलता रहा है, जो NDRF की कुल 5 टीमें वर्क कर रही हैं और 5 टीमें कल सुबह 8 बजे से वर्क कर रही हैं कंटिन्यूअस। इन लोगों ने अभी तक रात में विश्राम नहीं किया है, और जो भी गांव वाले कुछ सहायता कर रहे हैं उसके अनुसार ये लोग मतलब बहुत अच्छा गांव वाले सहायता कर रहे हैं, प्रशासन वाले भी सहायता कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ पर रह के खाना पीना कर रहे हैं, और जब तक ये सारी चीजें ना हट नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और सारी चीजों को निकाल के ही हम लोग फिर इस ऑपरेशन को क्लोज करेंगे।